ओके, प्रीवियस चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमने देख लिया था, अब हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो क्यूब जैसे स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स वन का स्क्वायर, वन इंटू वन होता है, वैसे क्यूब मीन्स वन इंटू वन इंटू वन। वैसे ही जैसे स्क्वायर में टू मतलब टू क्रॉस टू होता है, वैसे क्यूब में टू क्रॉस टू क्रॉस टू। मीन्स स्क्वायर में जो नंबर था सेम नंबर हम दो बार मल्टीप्लाई करते थे, तो क्यूब में सेम नंबर हम तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से स्क्वायर में हम जैसे सेम नंबर होता था उसको हम दो बार मल्टीप्लाई करते थे, तो क्यूब में वैसा ही वैसा सेम नंबर हम तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही क्वेश्चन बनेंगे स्क्वायर वाले क्यूब में भी। तो स्क्वायर वाला नंबर पहले तो क्या, जो देखो स्क्वायर में क्या करते थे हम, दो की पैर बनाते थे, तो ये क्यूब में तीन की पैर बनाएंगे। तो देखो पहले इसका फर्स्ट कि हमको पता होना चाहिए कि इसका क्यूब क्या होता है। तो देखो वन, वन का क्यूब वन होता है, टू, टू क्रॉस टू क्रॉस टू तीन बार तो एट होगा, थ्री तो थ्री क्रॉस थ्री क्रॉस थ्री तो होगा 27, फोर तो फोर क्रॉस फोर क्रॉस फोर तो होगा 64, फाइव का फाइव क्रॉस फाइव क्रॉस फाइव तो 125, सिक्स का सिक्स क्रॉस सिक्स 36 और 36 क्रॉस सिक्स तो इसका आंसर आएगा 216, क्या आएगा 216। सेवन का सेवन क्रॉस सेवन 49 और अगेन क्रॉस सेवन तो आ जाएगा आपका आंसर 343, क्या आ जाएगा 343। एट का एट क्रॉस एट 64, 64 क्रॉस एट तो 512 आएगा आंसर, क्या आएगा 512। नाइन का क्यूब तो नाइन का क्यूब तो नाइन क्रॉस नाइन 81, 81 क्रॉस नाइन तो 729। वैसे ही टेन तो टेन क्रॉस टेन क्रॉस टेन तो आ जाएगा 1000। तो देखो फिर से क्यूब में क्या लिखेंगे, वन का तो दिया हुआ है वन, टू का एट, थ्री का 27, फोर का 64, फाइव का 125, फाइव का 125, सिक्स का, सिक्स का क्या आ जाएगा 216, सेवन का 343, एट का 512, नाइन का 729 और इसका आ जाएगा 1000। तो देखो अगर यहां से मैं आपको क्वेश्चन ऐसा पूछता हूं, मैं अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछता हूं कि ये जो हमने क्यूब लिखे हुए है, ये जो क्यूब हमने लिखे हुए है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो टू का एट तो एट, ये तो एक ही है डिजिट, लेकिन थ्री का क्यूब जब भी आप करते हो तो आंसर आता है 27, क्या आता है आंसर 27। तो इसका जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या होता है, सेवन होता है, क्या होता है यूनिट डिजिट या तो वंस डिजिट। फोर का क्यूब तो फोर में 64 तो इसका यूनिट डिजिट होता है वो फोर होता है। फाइव का क्यूब तो 125 तो इसका जो यूनिट डिजिट या तो वंस डिजिट होता है वो फाइव होता है। सिक्स का क्यूब तो सिक्स का जो यूनिट डिजिट होता है वो सिक्स। सेवन का क्यूब तो ये इसका थ्री आएगा। एट का तो ये टू आएगा। नाइन का तो यहाँ पे यूनिट डिजिट नाइन आएगा और टेन में तो जीरो ही आएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि इसका क्यूब करो तो इस क्यूब का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ओके, तो हमको पता चलेगा यहाँ से कि अगर वन है तो वन का यूनिट डिजिट वन, टू है तो एट, थ्री है तो सेवन, फोर है तो फोर, फाइव है तो फाइव, सिक्स है तो सिक्स, सेवन है तो थ्री, एट है तो टू, नाइन है तो नाइन। देखो सबका सेम है लेकिन आपको याद रखना है ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि थ्री में आंसर सेवन आता है यूनिट डिजिट में और सेवन में थ्री आता है, टू में एट आता है और एट में टू आता है, बस आप ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ओके, अभी देखो एक यहाँ पे नीचे कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर ऑफ द सम ऑफ द ऑड ऑफ यूजिंग, ये हम बाद में पढ़ेंगे, चलो वो एग्जाम्पल नंबर वन ही देख लेते हैं कि ये इज 243 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो जैसे हम परफेक्ट स्क्वायर में पैर बना रहे थे ना वैसे ही पैर हम इसमें बनाएंगे, लेकिन उसमें दो की पैर बना रहे थे तो इसमें हम तीन की पैर बनाएंगे। तो देखो 243 क्या है, 243 डिवाइडेड बाय, देखो टू ये पीछे टू तो है नहीं तो थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा, तो थ्री से एट और ये वन, अगेन थ्री से क्या आएगा 27, अगेन थ्री से नाइन, अगेन थ्री से थ्री और थ्री से वन, तो टोटल कितना आया देखो, तो ये आया थ्री क्रॉस थ्री क्रॉस थ्री क्रॉस थ्री क्रॉस थ्री, फाइव टाइम है ना, तो ये फाइव टाइम हो गया। लेकिन हमने क्या बताया कि जैसे स्क्वायर में हम दो की पैर बना रहे थे ना वैसे क्यूब में तीन की पैर बनाएंगे, तो यहाँ पे तीन की पैर क्या है, तो ये तीन की पैर हो गई, लेकिन ये तो दो की पैर है, तो ये दो की पैर बनी इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय थ्री होता मीन्स
243 मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो कितना होगा, 3 3 9, 4 3 2 1, और 2 3 6 और 7, तो ये 729 हमको पता है, 729 किसका है, 9 का। तो ये यहां से क्यूब आएगा, ये 3 आएगा और ये 3 आएगा, तो 3 × 3 मीन्स 9। तो अगर 729 होता तो वो 9 का क्यूब होता, लेकिन 243 है तो 243 में पैर नहीं बन रही, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ऐसे करके कोई भी नंबर है तो आप ऐसे आप उसका परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हो। क्या करना है, पहले तो उसके पैर बनाओ, जो भी आपको मिल रहा है उसके पैर बनाओ, लेकिन पैर में क्या करना है, 3 की पैर बनानी है। क्या करनी है, 3 की, अगर वहां पे 3 की पैर बन रही है तो वो आपका परफेक्ट क्यूब होगा, अगर 3 की पैर आप पर नहीं बन रही है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ओके, ऐसे करके आप किसी का भी क्यूब निकाल सकते हो। स्क्वायर में 2 की पैर और क्यूब में 3 की पैर, बन रही है तो है और अगर नहीं बन रही है तो वो नहीं है।